नमस्कार दोस्तों, न्यूज वन इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। आज से माघ मास की शुरुआत हो गई है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार राशि चक्र का ये सातवां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी गुरु है जो अपनी ही राशि यानी कि मीन में विराजमान है। आज का दिन आप सभी के लिए बेहद खास होगा अगर आप अपने शनि देव को प्रसन्न रखें। चलिए राशिफल से पहले जानते हैं कैसे आप शनि देव को प्रसन्न रख सकते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने का विशेष संयोग शनि देव की पूजा के लिए उत्तम है। इस दिन पूजा करने से आसानी से शनि देव को प्रसन्न किया जा सकता है। शनि देव को प्रसन्न करना आवश्यक माना गया है क्योंकि शनि देव जब अशुभ होता है तो व्यक्ति के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शनि खराब है। चलिए वो भी आपको बता देती हूँ। शनि जब खराब होते हैं तो व्यक्ति को परेशानी घेर लेती है, अज्ञात भय सताने लगता है, काम में सफलता नहीं मिलती और व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ती है। व्यक्ति एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिक पाता है, नौकरी जाने का खतरा बना रहता है, जॉब मिलने में दिक्कत आती है, कर्ज बढ़ता रहता है, सगे संबंधियों से रिश्ते खराब हो जाते हैं, दरिद्रता घेरने लगती है। इसके साथ ही गंभीर रोग पनप जाता है। यदि आप इस तरह की किसी समस्या से परेशान हैं तो शनि देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए जानते हैं शनि अशुभ कब हो जाता है। शनि को ज्योतिषी शास्त्र में विशेष ग्रह माना गया है। ये न्याय के कारक है, इसलिए इन्हें कलयुग का दंडाधिकारी यानी कि न्यायाधीश कहा जाता है। जो लोग पद और धन आने पर दूसरों को कमजोर समझने लगते हैं, पद और धन का प्रयोग दूसरों के अहित करने के लिए करते हैं, ऐसे लोगों को शनि अपनी दशा अंतरदशा साढ़े सती के दौरान कठोर दंड प्रदान करता है। झूठ बोलना, धोखा देना, दिखावा करना, अहंकार करना और कमजोर व्यक्ति को सताने से शनि अशुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए कोई गलत काम ना करें और शनि को प्रसन्न रखें। और अब आपको बताती हूँ आपका दिन आज कैसे रहने वाला है। तो राशिफल का रुख करते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। शनि देव आपके आपसी संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों को नाराज ना करें। लव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ सकता है, विवाह में देरी हो सकती है, प्रेम संबंध में ब्रेकअप भी हो सकता है, इसलिए संबंधन रखें और पड़ोसियों से विवाद की स्थिति बन सकती है। धन लाभ होगा, परिश्रम में कमी ना आने दें। और अब मेष राशि के बाद वृष राशि की बात करते हैं। जॉब और करियर में शनि शुभ फल प्रदान करेगा। ऑफिस में आपके काम को सराहना मिलेगी, प्रमोशन की स्थिति भी बन सकती है। ऑफिस या बिजनेस के काम से यात्रा का भी योग बन रहा है। जॉब बदलने का विचार भी मन में आ सकता है। धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। घर परिवार में किसी पूजा पाठ के आयोजन की योजना बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में लाभ के आसार बन सकते हैं। कुछ नई डील फाइनल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्ज की समस्या बढ़ सकती है या फिर पुराने कर्ज तनाव के कारण बन सकता है। प्लानिंग से किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। दूसरों की निंदा करने से बचे, शत्रु परेशान कर सकते हैं। विद्यार्थियों को भटकाव की स्थिति से बचना होगा। तो कर्क राशि वाले आप समस्याओं को देख परेशान ना होए, शांति से हल के बारे में सोचें। और चलिए अब राशिफल में सिंह राशि की बात करते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। जीवन साथी से विवाद ना करें, बिजनेस पार्टनर से लेन देन में पारदर्शिता बरतें, नहीं तो संबंधों में परेशानी आ सकती है। लव पार्टनर को खुश रखने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे समय की कीमत को पहचानें। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। धन का नाश हो सकता है। ऑफिस में आपके प्रतिद्वंदी सक्रिय रहेंगे, इसलिए सावधानी बरतें। दूसरों की बुराई करने से बचे। विद्यार्थी कुछ परेशान रहेंगे। परीक्षा की डेट को लेकर संशय बना रहेगा। तनाव लेने से बचे। कन्या के बाद अब तुला राशि की बात करते हैं। प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। वाणी की मधुरता कम होने से ब्रेकअप जैसी स्थिति बन सकती है। घर परिवार में किसी आयोजन में भाग ले सकते हैं। ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं और देखते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा दिन रहेगा।
माँ की सेहत को लेकर परेशान रहेंगे, कई तरह के आइडिया आपके दिमाग में रहेगी, इसलिए दूसरों के साथ शेयर करने से समय सावधानी बरते। बिजनेस में लाभ की स्थिति बन रही है, ऑफिस में आपकी कर्मठता बॉस को प्रभावित कर सकती है, विद्यार्थियों को अच्छी खबर मिल सकती है, लव पार्टनर का दिल जीतने में सफल रहेंगे। अब चलिए धनुराशि की बात करते हैं। सर्दी जुखाम की शिकायत हो सकती है, सर्दी के मौसम में विशेष सावधानी बरतनी होगी, सेहत के मामले में लापरवाही ना बरतें। विद्यार्थियों को सीनियर और शिक्षक का सहयोग मिलेगा, लव पार्टनर को अपनी कोई बात बुरी लग सकती है। दांपत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती है, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। चलिए मकर राशि की बात करते हैं। शनि आपकी राशि में ही विराजमान है, प्रथम भाव में होने के कारण शनि आपको परिश्रमी बना रहे हैं, ऑफिस में लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, बिजनेस के लिहाज से बड़ी डील भी फाइनल कर सकते हैं, इस दौरान आप निवेशकों को प्रभावित कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि देव है, शनि देव के अनुशासन से कार्यों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं, आलस से काम बिगड़ सकते हैं, इसके साथ ही आने वाले अच्छे अवसरों से हाथ भी धो सकते हैं, जीवन साथी को नाराज ना करें, कहीं बाहर डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं, संतान की सेहत परेशान कर सकती है। कुंभ के बाद अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। देव गुरु बृहस्पति मीन राशि के ही गोचर कर रहे हैं, शनि के साथ ही सम संबंध होने के कारण शिक्षा से जुड़े लोगों को कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं, शोध के विद्यार्थियों को लाभ होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी करने वाले छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है, दान आदि के कामों में रुचि लेंगे। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।